ओके दोस्तों मेरी लक से बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। दोस्त तेरे हो डॉक्टर मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, कैसे हालचाल है आपकी। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये टाइनी सा व्लॉग। सो आज के दिन की शुरुआत कैसे हुई थी DIY प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने से। अगर आपने मेरी ये वीडियो नहीं देखी है तो मेरे YouTube चैनल पे है। अगर आप अफोर्डेबल वेसेस को लग्जरी रस्टिक एंड विंटेज किस्म का बनाना चाहते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी, ज़रूर से देखें एंड अपना ये करें। घर के डेकोरेशन में चार चांद लगा दें। Darling, you should hurry home. I left the keys under the front door. आज बेसिकली मैंने सारा दिन यही काम किया। उसके बाद हमारे कुछ दोस्त आने वाले हैं तो मैंने सोचा कि मेरे घर को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लूँ, क्योंकि अभी भी ऑर्गेनाइजिंग काफ़ी बाकी पड़ी है। सो मैंने पहले डिसाइड किया है कि ऑफिस के एरिया को क्लीन करके, क्योंकि जो भी मैं खरीद रही हूँ डेकोरेशन या जो भी कुछ भी है तो मैं इसे शेल्फ में ऐड करते जा रही हूँ। पर अब मैं थोड़ा ऑर्गेनाइज़ करने वाली हूँ। मेरी किताबों को भी मैंने ऑर्गेनाइज़ नहीं किया है। सो थोड़ा समय हम हमारे ऑफिस रूम में स्पेंड करेंगे ताकि ये थोड़ा सा बेटर दिखे। ये मेरी फाइनल डेकोरेशन नहीं है, बट या कुछ कुछ अच्छा दिखेगा आइज़ को तो आप ज़्यादा प्रोडक्टिव फील करते हैं, क्योंकि ये मेरा वर्क प्लेस है। सो मैं चाहती हूँ ये खूबसूरत दिखे। नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी रसोई में। ओके दोस्तों मेरी लक से बहुत ज्यादा दर्द हो रही है। दोस्त तेरे हो डॉक्टर जो यार ना ही नेचुरल रह रहा है सारा दिन में तो मैं ही डांस दी रही, मेरी केड़ी हड्डी दुख दी है। सो मेरे पति ने कहा कि जे दिन कोई तकलीफ है सबको बता। मैं तो क्या ओके दोस्तों ये नहीं कहा, वैसे बता रही हूँ। मेरे ना मुझे साइटिका की प्रॉब्लम हो गई है आजकल। जब आपको कोई हड्डियों की प्रॉब्लम हो ना, उससे रिलेटेड और बहुत सारी दोस्त आ जाती हैं। कोई डिस्क बल्ज होगी, नर्व्स डैमेज होगी, तो वो चल रहा है मेरा आजकल। सो कल हमारे दोस्त आ रहे हैं टोरंटो से, हम बहुत एक्साइटेड हैं उनको मिलने के लिए। एक महीने बाद मिल रहे हैं हम लोग। एक महीने बच्चे आओगे या बच्चे हैं पर दोस्तों जैसे बच्चे। सो क्या करेंगे हम उन्हें 1.5 महीने के बाद मिलने वाले हैं। लास्ट टाइम मिले थे जब हमने वहाँ से विदा ली थी। सो नाउ आई एम गोना मेक राजमा एंड राइस फॉर देम, ताकि जब वो पहुँचे लंच में हल्का फुल्का घर का खाना खा पाए। पर मैं उनकी फेवरेट चटनी भी बनाऊंगी एंड सैलेड भी। बहुत दही वाली चटनी भी बनानी है। ओके सो फिलहाल यही कर रही हूँ, और मैं उसके साथ मेरा DIY वाला प्रोजेक्ट कर रही हूँ कि कैसे आप सस्ते वेसेस को एज्ड लुक दे के वो एक्सपेंसिव वाले वेसेस। सो दे आर ऑलमोस्ट रेडी देयर, अभी वो ड्राई हो रहे हैं। मुझे लगता है कि आपने इसकी वीडियो ऑलरेडी देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो मेरे चैनल पे है DIY एज्ड वेसेस, यू गाइस कैन वॉच एंड लर्न एंड सेव मनी। मैं जी करता तेन मैं इंडिया ले जा, उठे वे जे घर तेन मैं दे दी, जा तू आपका खेल खड़ैया कर, बड़ा मजा आए। सो यार दोस्तों ये वेसेस का काम किया है और मैं थोड़ी क्लीनिंग कर रही हूँ, और हस्बैंड की जबरदस्ती हम क्लीनिंग के लिए मदद ले रहे हैं, जो वो करने में इतना इंटरेस्ट नहीं होता, पर आज जो उन्होंने थोड़ी डांस के साथ कर दिए। दिखा दो ना मोबाइल फुटेज नाल। नहीं वो टेबल ही सीगा। ओके दोस्तों सॉरी तो मिस कर देना, बड़ा धमाकेदार लग रहा है फिलहाल। और अब मैं राजमा को बॉयल होने के लिए रखने वाली हूँ और तड़का लगाने वाली हूँ। समय ऑलरेडी 6 बज चुका है और हिम्मत को मैंने प्रॉमिस किया था कि उसे राजमा राइस में लंच में खिला दूंगी, पर ब्ला 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 नो, बिकॉज आई वाज बिजी मेकिंग माय DIY वीडियो। करोगे अपना खाने में मस्त होगी। डोंट बी अ स्मार्टी कैंड विद मी, डोंट डू दिस टू योर ब्यूटीफुल चिंगी पिंगी मॉम। डिड यू नोटिस आई सॉ दिस की? Oh, you wanna show it to everyone? Guys, look. The moves I do is this. There's you, no one, nothing.
सीखना चाहते हैं कि मैं राजमा कैसे कुक करती हूँ, उसकी वीडियो मेरे कुकिंग चैनल पे है, स्मॉल कैन कुक पे, दोनों डिफरेंट तरीके जो मैं यूज़ करती हूँ, पर जो लेटेस्ट वाला है वही वाला आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार राजमा बनते हैं उसके साथ, आप ज़रूर से देखना। सो हम पहाड़ों के काफ़ी पास रहते हैं, आपको पता है कैलगरी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अगर आप समवन है जिसे पहाड़ और नेचर अच्छी लगती है तो कैलगरी आपके लिए है। सो हमारी कोशिश होती है हर एवरी अदर डे हम लोग थोड़ा ड्राइव पे चले जाते हैं, क्योंकि आजकल मौसम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, तो जब भी आप जाएंगे तो आप इंजॉय कर सकते हैं वॉक्स एंड यू नो वाइल्ड लाइफ। तो हम लोग कहीं ना कहीं पहाड़ों में चले जाते हैं। अब इस बार हम हमारे कैलगरी साउथ वाली साइड पर गए थे, यहाँ पे बहुत प्यारे पहाड़ हैं एंड ऑल्सो बहुत खूबसूरत लेक्स हैं, बहुत ही मज़ेदार सा व्यू है। एंड यहाँ पे हमने काफ़ी समय स्पेंड किया, ये पूरा दिन मुझे लग रहा हमने उन्हीं पहाड़ों में स्पेंड कर दिया। एंड हम हर जगह रुक रुक के यू नो नेचर को अपने अंदर सिंक इन करते हैं, मज़ा लेते हैं। हिम्मत यहाँ पे मॉस्किटो स्प्रे लगा रहा है क्योंकि वो मच्छरों से बहुत डरता है। या कैलगरी के मच्छर थोड़े ना बड़े ही हैं, अजीब हैं, आपके पीछे पड़ जाते हैं, सो स्प्रे आपको ज़रूरी चाहिए। ओके दोस्तों, तो हम लोग आए हैं आउटडोर्स और हिम्मत इतना ज़्यादा डरता है ना मच्छरों, तो शिखर दोपहर से मॉस्किटो स्प्रे लगा रहा है क्योंकि ही थॉट ये मॉस्किटो है। And our husband is there. I'm gonna show you around. डरदा ही बड़ा मुंडा, पर दोपहर से मॉस्किटो लान लग पाया। और हिम्मत को पानी बचपन से इतना ज़्यादा पसंद है कि वो जहाँ पर पानी देखेगा, पानी ठंडा हो गर्म हो doesn't matter, वो पानी में चला जाता है। I'm Bear you County, Mayor of Norway. That's nice. And I love this place. Look at here. Okay, दोस्तों, ये पानी आ रहा है ऊपर से स्नो वाला मेल्ट होके और ये बहुत ठंडा है। And Himmat went in like it's करवे की शावर दे विच गरम तो गरम ना आंदा कि मैं ठंडा ना करो यार ना इतने बर्फ आ जा पड़ेगा। ओके सो हम ज़्यादातर अदर साइड पे जाते हैं वेस्ट, पर आज हमने सोचा कि हम साउथ एक्सप्लोर करते हैं क्योंकि हमारे घर से 30-35 मिनट दूर ही माउंटेन शुरू हो जाती है एंड ये वाला ना थोड़ा डिफरेंट है, वैली ग्रीन, बड़ा मज़ेदार, बड़ा अच्छा लगा। सो यहाँ पे कितनी सारी सो यहाँ ये ज़्यादा प्यारा एंड क्यूट सा है। अरे पति एंड हिम्मत ने बहुत ज़्यादा रोला मचा के रखा है, बहुत ज़्यादा शरारतें कर रही है। सो वैसे तो मैं पिकनिक के लिए बास्केट भी लेके आई हूँ एंड चटाई भी, और यहाँ पे पत्थर ही पत्थर कैसे बैठेंगे। वैसे भी यहाँ पे ना पालू बहुत ज़्यादा है और मुझे पालू से बहुत डर लगता है, और मेरी अक्खा बस पालू को ढूंढती रहती है कि अगर वो मिले और मैं दौड़ के जाके गड्डी से बैठ जाऊँ। सो या दैट्स द स्टोरी अबाउट मी एंड पालू। एंड घर से हम लोग खा गए कल का लेफ्ट ओवर पास्ता एंड ऑल्सो टोस्ट विद एवोकाडो, एंड अब मुझे भूख लग भी चुकी है। घर से आए हमें 40-45 मिनट हुए हैं और मुझे भूख ऑलरेडी लग चुकी है। बाद हम एक ये बहुत ही प्यारी सी ट्रेल पे गए जहाँ पे वॉक है, पर मुझे ना बियर से बहुत डर लगता है और हमारे पास बियर स्प्रे भी नहीं है। आपको यहाँ पे रखना चाहिए, बियर स्प्रे मस्ट है वो, पर यहाँ पे कुछ सैलानी आए हुए थे कुछ यहाँ पे हाइकर्स थे, उन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई ख़तरा नहीं क्योंकि वो पूरा हाइकर के आए हैं, तो आप थोड़ा सा अंदर तक जा सकते हैं। तो हमने थोड़ी सी यहाँ पे ट्रेल पे वॉक की, ये पाथ सा बना हुआ, बड़ा मज़ेदार था, बड़ा अच्छा दिन गया। ओके दोस्तों, एक बहुत ही प्यारे से व्यू पॉइंट पे आए हैं हम, मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा नज़ारा है, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये। और इसी के बीच में ये रॉकी माउंटेन्स भी हैं एंड ये ग्रीन वाली माउंटेन्स भी, एंड जितने पेड़ा, और इस वाली काउंटी में बहुत सारे पालू हैं। एंड मेरे हस्बैंड ने आज ठान ली है कि वो पालू के साथ अखा चार करेंगे ही,
सो वो अंदर भीतर उस एरिया में चले गए थे और पालू को ढूंढने के लिए, पर पालू नहीं मिला। सो इसके बारे में क्या विचार देंगे सर? तो ये पालू तो नहीं डर दे, नहीं डर दे पालू तो? डरदे हां, डरदा क्यों नहीं है? डरदे उसे शेर बन बन के क्यों घूमंदे हैं? पालू आया ना ते टिड्डी तोड़ी हो जानी है तां। चलो चलिए। कुगी क्या हो जानी है? Stopping by just to tell you I hope that you understand why these things on my mind keep me up at night. Maybe you are the answer, but lately I'm so alone, stone cold, wrong. Sizing our love has got so much worse. Now I lose my turn to say या दोस्तों, आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये क्यूट सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं आपके लिए, मेकअप वीडियोस, ब्यूटी वीडियोस, स्किन केयर, बहुत कुछ। आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। आई लव यू गाइज सो वेरी मच। बाय बाय।